तो चलिए आज का टॉपिक है फिल्टर, सॉर्टिंग एंड फिल्टर। ठीक है जी। अब सॉर्टिंग में पहले हम देखते हैं कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मुझे कहीं भी सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको क्लिक करना है। जैसे सिटी पे मान लीजिए किया, तो यहाँ पे होम टैब के अंदर सॉर्ट का, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, जिसमें सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए। ठीक है जी, अल्फाबेटिकल सॉर्ट है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, ये सॉर्ट हो गया, सारा डेटा सॉर्ट हो गया, बेशक मैंने क्लिक कैसे भी किया। वो कैसे हो पाया कि इसमें क्या है कि हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम जैसे कंट्रोल ए दबाते हैं, तो मैंने कल बताया था कि पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता है, तो वही फंडा है। अगर मैं इसमें एक लाइन नहीं होगी और मैं यहाँ पे सॉर्ट करूंगा, क्या होगा कि नीचे वाले पे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इस पे ही होगा। क्योंकि अगर मैं क्लिक करके देखना हो तो कंट्रोल ए इतना है, तो उसके रीजन में इफेक्ट होता है। मान लीजिए बीच में ऐसे स्पेसेस हैं काफी सारे, आप क्या करिए, डेटा पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और देन सॉर्ट अप्लाई कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जो ब्लैंक वाला था वो चला गया, मतलब वो सॉर्ट हो गया। यही दोनों केसेस फिल्टर में भी होते हैं, फिल्टर की रेंज भी कई बार नहीं आती है इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं फिल्टर लगा दूं विदाउट सिलेक्शन के, तो मुझे सिर्फ यही दिखाएगा जो यहाँ तक के, इसमें देखूंगा तो सिर्फ इतने दिखा रहा है, इसके बाद के नहीं दिखाएगा। ठीक है जी। तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब अगर गैप है तो आपको कोई भी चीज अप्लाई करनी है तो वो पूरा सिलेक्ट करके करनी पड़ेगी। ठीक है जी। देन चलते हैं कस्टम सॉर्ट पे। सॉर्टिंग कैसे भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी हो जाती है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ नंबर पे, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अपने आप लिखा हुआ आता है। ठीक है जी। डेट पे क्लिक करता हूँ तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट अपने आप लिखा हुआ आता है। ये डेटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है अपने आप। ठीक है जी। संदीप, ये कौन सा एक्सेल है? ये 2007 है सर। 2007 है क्या? और ये सबके सब ऑप्शन ऐसे के ऐसे 2010 में भी है ना? 2010 में भी सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क होता है सर, ज्यादा नहीं। ओके। एक बार वो नाम पर टिक करने से क्या आता, देखिए एक बार हरीश पर क्लिक कीजिए और उधर शॉर्ट करने से क्या होगा? अगर इसको मैं शॉर्ट करता हूँ तो ए टू जेड जेड टू ए। अच्छा, सिर्फ टेक्स्ट की तरह करेगा। हो गया हरीश, हरीश इकट्ठा हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे, डेट टेक्स्ट और नंबर के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है इसका। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसमें कस्टम सॉर्ट। ये आपकी लेवल वाइज सॉर्टिंग में मदद करता है। जैसे मैंने क्लिक किया कस्टम सॉर्ट पे, तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डेट जैसे सॉर्ट कर दूँ, डेट कॉलम लिस्ट आपकी आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, पहले नेम सॉर्ट करता हूँ। ठीक है जी। अल्फाबेटिकल सॉर्ट किस बेसिस पे होना है वो यहाँ से चूज करेंगे, किस किस बेसिस पे हो सकता है, वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन। ठीक है जी। ए टू जेड, जेड टू ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैसे। तो दूसरा लेवल मैं चूज करता हूँ सिटी का। ठीक है जी। वो भी अल्फाबेटिकल सॉर्ट करनी है, पहले नाम सॉर्ट होगा, फिर उसके बाद सिटी सॉर्ट होगी, देन उसके बाद जो सेल्स रहेगी वो मुझे करनी है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो तीन लेवल मैंने ऐड किए। ओके। पहले मैं देख रहा हूँ हरीश यहाँ से इकट्ठा सॉर्ट हुआ, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली दिल्ली फरीदाबाद हो गया, ये साथ नोएडा, ये सॉर्ट हो गया। और जैसे आप देखेंगे तो दिल्ली के लिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने किया था, बट ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया दिखता। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इसमें कुछ हुआ ही, ऐसा कैसे हो सकता।
नो अब सही हो गया, नहीं यहाँ नंबर में ऐसा गड़बड़। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, मैंने फॉर्मूला लगा रखा है रैंड बिटवीन वाला, अब वो हर बार वैल्यू चेंज कर दे रहा है, इस कारण मुझे ओके रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं अब करूं तो अब सही रिजल्ट मिलेगा 84, 83, 74, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसको लेवल वाइज सॉर्टिंग कहते हैं, और आप इसमें 64 लेवल तक सॉर्टिंग कर सकते हैं, 64 से अबव नहीं जाएगा ये, ठीक है जी। अब इसमें जैसे और किस किस चीज पे कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए मेरा डेटा है, मेरा डेटा जो है मैं चाह रहा हूं कि क्या क्या है सॉर्टिंग, हेलो मेरी, हाँ बोलो। हाँ तो मैं ये कह रहा था सर कि जो हमारी मान लीजिए मैंने कुछ डेटाफिट लिस्ट है, तो मैं ये लिस्ट मैंने बनाई है, डेटा बनाया और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैंने येलो से मार्क कर दी है, ठीक है जी। जो डेटा गड़बड़ था मैंने येलो से मार्क कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये येलो वाले सबसे ऊपर आ गए। तो जब हम कस्टम सॉर्टिंग में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, तो जैसे नेम है इसमें हम सेल कलर के बेस पर भी सॉर्ट कर सकते हैं, सेल कलर में आपके अवेलेबल सेल कलर आ जाएंगे जो भी यूज हुए होंगे उसमें, ठीक है जी। देन उसको टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, टॉप में रखना है, तो ये अलग से सॉर्ट होकर आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए इस पर मैंने एक पे एक अलग कलर से कर दिया, अगले को मैंने ब्राउन से कर दिया या ऑरेंज से कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ब्राउन वाला पहले आ जाए उसके बाद येलो वाला आ जाए, तो ऐड लेबल करूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा ब्राउन वाले को टॉप कर दूंगा, और फिर से मैं दोबारा भी इसी को यूज कर सकता हूँ, सेल कलर में से मैंने येलो वाला चूज कर लिया टॉप, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी है तो वो इस हिसाब से करेगा, देन इसकी, ठीक है। ब्राउन वाला पहले कर देगा, येलो वाला बाद में कर देगा, ठीक है सर। दूसरा मैंने तो बेसिकली इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के इसको ऐसे सॉर्ट कर सकते थे, कर सकते कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल को कलर दे सकता है और फिर उसको ऐसे सॉर्ट करेंगे। हाँ जी हाँ जी। अब मान लीजिए मैंने इसमें ये लगा दिया, आपने सेल आइकॉन लगा दिए, हाँ जी, तो अब मैं आइकॉन को भी सॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ वो मैं सेल्स में फॉन्ट कलर, जैसे फॉन्ट का कलर अगर मैं चेंज करूं तो फॉन्ट कलर के बेस पे भी सेम चीज हो जाती है, उसमें भी अवेलेबल फॉन्ट कलर आ जाते हैं। सेल आइकॉन में कौन सा टॉप पे रखना है, मैंने कहा पहले राइट वाले दिखाए, देन जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को ले लिया मैंने, ठीक है जी, ओके किया, तो राइट वाले इकट्ठे कर दिए इसने, आगे नीचे जाते जाएंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन शुरू हुआ, ठीक है जी, सबसे नीचे चला गया क्रॉस वाला, ठीक है जी। सेल आइकॉन के बेस पे भी सॉर्टिंग हो जाती है, अब मान लीजिए कि सॉर्टिंग में एक चीज और आती है, मान लीजिए मैंने मंथ लिख दिया यहाँ पे, मंथ क्या लिख दिया, मेरे पास एक फॉर्मूला है टेक्स्ट का जिससे मैं डेट में से मंथ निकाल सकता हूं, ये मान लीजिए मंथ आ गया मेरे पास,
टेक्स्ट का फॉर्मूला है जिसमें आप कोई भी रेफरेंस देते हैं डेट का, फिर उसका एक फॉर्मेट टाइप कर देते हैं। फॉर्मेट कस्टम फॉर्मेटिंग मैं वह बताता हूँ इन फॉर्मेट्स के बारे में। ट्रिपल एम का मतलब है एब्रीवेटेड मंथ नेम, ठीक है जी। तो इसमें मंथ नेम आ गए। अब मान लीजिए मुझे मंथ सॉर्ट करना है तो क्या क्या होगा, मेरे अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हेलो, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर मैं मंथ को सॉर्ट करूँ तो क्या होना आपके हिसाब से? जनवरी से दिसंबर तक सब आने चाहिए, पहले सब जनवरी फिर बाकी के सब। हाँ, पर अगर मैं करता हूँ, देखिए ए टू जेड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अप्रैल पहले आ रहा है, देन अगस्त आ रहा है, फिर दिसंबर आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाता है ये। अब इसका कोई सोल्यूशन, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आप बस सॉर्टिंग में चले जाइए, कस्टम सॉर्ट में, ये मंथ है, सबसे लास्ट में चले जाइए, ए टू जेड, जेड टू ए आ रहा है, और एक और चीज है हमारे पास कस्टम लिस्ट। अब कस्टम लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास जो जो भी लिस्ट में पड़ा हुआ है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो जनवरी फरवरी है, ओके, अकॉर्डिंग टू लिस्ट ये सॉर्ट कर देगा। तो अब ये जनवरी आ गया, फिर फरवरी आ गया, फिर मार्च आ गया, इस तरह। अब इसका यूज काम कर सकते हैं, मान लीजिए ऑफिस में आपका डेजिग्नेशंस का आपके पास डेटा है, एम्प्लॉयज डेजिग्नेशंस का, तो कोई वीपी है, कोई हेड है, कोई एग्जीक्यूटिव है, उनको सॉर्ट करना है, तो आप कस्टम लिस्ट में उनका एक वो बना सकते हैं, रेंज बना सकते हैं कि पहले वीपी दे दिया, देन जीएम दे दिया, देन एग्जीक्यूटिव दे दिया, देन असिस्टेंट दे दिया, तो ऐसे करके उसकी रेंज बना ली, वो कस्टम लिस्ट में डाली और कस्टम लिस्ट से डाटा हो गया सॉर्ट, ठीक है जी। कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए होम टैब से जाना पड़ेगा ना या ऑफिस टैब से? होम में जाके होम में वाला ऑप्शन और एडिट कस्टम लिस्ट, ओके, 2010 के अंदर ये एडवांस में, ये एडवांस में मिलेगा आपको, ओके ओके सर। तो सॉर्टिंग के अंदर इतना ही है, बाकी अब चलते हैं फिल्टर को देखते हैं फिल्टर में क्या क्या होता है। फिल्टर जब आप लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या क्या तरीके हैं इसको लगाने को। एक ये सॉर्ट एंड फिल्टर का है, यहाँ से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। दूसरा है आप शॉर्टकट लगा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट है। एक दूसरा शॉर्टकट और है, जैसे डाटा के अंदर ये रहा फिल्टर, तो ऑल्ट ए टी, ऑल्ट दबा के एटी, ये शॉर्टकट है। देन अब देखते हैं फिल्टर क्या क्या करता है। तो मैंने फिल्टर लगा दिया, तो जिस तरह से हमारे सॉर्टिंग में बिहेवियर था कि डेट के लिए अलग आ रहा था, टेक्स्ट के लिए अलग आ रहा था, नंबर के लिए अलग आ रहा था, इसी तरह से फिल्टर भी बदल जाते हैं। डेट के लिए डेट फिल्टर हो जाता है, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट फिल्टर हो जाता है, और नंबर के लिए नंबर फिल्टर हो जाता है, ठीक है। हर एक का अलग अलग काम होता है। मान लीजिए इसमें अब इस फिल्टर में कैसे दिखाता है डेटा आपको, यहाँ पे प्लस के साइन होते हैं, ईयर वाइज प्लस के साइन होते हैं, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसके मंथ आ जाएंगे उस पर्टिकुलर ईयर के, ये मंथ को एक्सपेंड करेंगे तो उसकी डेट्स आ जाएंगी जो भी अवेलेबल है। तो जो भी है आप इसका सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए 2013 से 2014 तक का, जैसे फाइनेंशियल ईयर यहाँ चालू होता है अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक का डेटा चाहिए, तो कैसे सिलेक्ट करूंगा मैं उसको, 13-14 है तो 13 में मुझे क्या चाहिए, सारा पहले मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर जनवरी फरवरी मार्च हटा दिया, तो अप्रैल से दिसंबर तक ये इधर हो गया। देन मैंने 2014 में जनवरी फरवरी और मार्च ये सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
सिलेक्शन आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं, बाकी इसमें होता क्या है। पर ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि डेट फिल्टर आपका तभी अपीयर होगा जब आपकी डेट्स प्रॉपर फॉर्मेट में होंगी। अगर डेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो ये आपको गड़बड़ रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है जी, वो डेट वाले फंक्शन काम नहीं करेंगे। और डेट फिल्टर में खास बात क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे इस पर जब क्लिक करेंगे जाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं डेट्स के अलग से। जैसे इक्वल, पहला ऑप्शन था इक्वल, तो डेट इक्वल कोई जो सारी डेट होगी वो आपकी इस लिस्ट में दिखाएगा, तो कोई भी सिलेक्ट करेंगे ओके करेंगे तो वो डेट आपकी फिल्टर हो जाएगी। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर में क्या होता है कि इसका सेल नंबर नहीं बदलता है ना, सेल नंबर उसका अलग ही आ रहा है, 96 आ रहा है। हाँ वो वही फिल्टर में क्या होता है, आपका डेटा जो है बाकी डेटा को हाइड कर देता है, बाकी ये वाला डेटा आपको दिखाता है खाली जो बचा होता है जो आपने मांगा होता है। ओके ओके ठीक है जी। फिल्टर आपने पहले कभी नहीं लगाया थे, अप्लाई किया है कभी आपने? अच्छा किया है पहले, लेकिन वही देखना कि अगर ये एक बार शॉर्ट हो जाए तो इससे डेटा एनालिसिस कर सकते क्या? शॉर्ट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, बट इसका लोग यूज लोग इसलिए करते हैं फिल्टर का कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, एक ही ईयर का चाहिए, तो ये मेरे पास फिल्टर होके आ गया, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा कहीं। ठीक है जी, शॉर्ट में भी आ जाता है, पर शॉर्ट में आपको बाकी दिखता रहता है, इसमें दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे रो नंबर आप देख रहे हैं 43, 44, 60, और यहाँ पे दिखाता है कि कितना रिकॉर्ड फाइंड किया, 10 of 666 रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है जी। यार एक क्वेश्चन था संदीप। हाँ जी सर। ये कभी कभी ये कॉपी, अभी अपने को ये 10 रोज आए ना, हाँ अभी ये 10 रोज कभी कॉपी करने से कभी कभी सिर्फ वो 10 रोज ही कॉपी होते, कभी कभी पूरे 43 to 195 कॉपी होते, वो कैसा अवॉइड करते? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। क्या होता है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसका सिलेक्शन कई बार पीछे वाली रो पे भी हो जाता है। ठीक है जी, जो हाइड है, अगर सिलेक्शन ऐसा हो जाता है तो क्या करता है, ये पीछे वाला डेटा भी देता है, पर हम कैसे श्योर रहे कि पीछे हुआ नहीं है सिलेक्शन। ठीक है, एक ऑप्शन है इधर, आप पहले इसको सिलेक्ट कर ले अपने डेटा को, देन इस पे जाएं फाइंड एंड सिलेक्ट पे। ठीक है जी, फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाएंगे और इसमें है गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल, देन आपके पास है विजिबल सेल्स ओनली, ओके ओके, वो पहले से लगाना चाहिए। हाँ तो इसको आप जब भी करेंगे तो जो सेल दिख रही होंगी खाली वही कॉपी होंगी, इसमें गलती का चांस ही नहीं होता। ओके, मैं कभी भी कॉपी पेस्ट करता हूँ तो हमेशा इसी मेथड से करता हूँ, इसको आदत बना लीजिए अपनी कि इसी तरह से करना है। और इसका एक साइन बताऊं मैं कि क्या होता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉपी कर रहा हूं तो ये जो लाइनें डॉटेड लाइनें सी आ रही है ना, तो मेरे विजिबल सेल्स पे दिखाई दे रही है। जब आपका पीछे का डेटा भी सिलेक्ट हुआ होता है तब क्या होता है, कैसा आता है, ये पूरा का पूरा आपको एक सिंगल लाइन दिखाई देगा, एक सिंगल बॉर्डर दिखाई देगा। इसमें मल्टीपल बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक सिंगल बॉर्डर दिखाई देगा, ये भी होता है। ठीक है ना, तो क्या करना है आपने, सिलेक्शन से सिलेक्शन करके फाइंड में, फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल और विजिबल सेल्स ओनली, ये सिलेक्ट करना, तो जो दिख रही है वही सिलेक्ट होगी। ठीक है, अब देखते हैं अब फिल्टर में क्या है कि जैसे बिफोर है, किसी पर्टिकुलर डेट से पहले की डेट, जैसे मैंने ये कह दिया कि 14 जुलाई या नियरेस्ट लगाता हूँ, 7 दिसंबर से पहले पहले का डेटा, तो दिसंबर से पहले पहले का डेटा यहाँ पे है उस ईयर का। ठीक है जी, इसी तरह इसमें है बिफोर के बाद आफ्टर, किसी पर्टिकुलर डेट के बाद का डेटा,
तो 7 जनवरी 2019 के बाद का डेटा तो ये दिखा रहा है, ठीक है। देन आपके पास है बिटवीन, मतलब किसी रेंज के बीच का डेटा। जैसे मैंने बताया था कि कोई फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए, तो मैंने कहा 1 अप्रैल 13 से 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 का डेटा चाहिए, ठीक है। ये ले लिया, ओके किया, तो उसके बीच का ही डेटा है, 13-14 के बीच का डेटा है। देन उसके बाद है आपके पास टुमारो, यानी कल आने वाली डेट। तो ऐसी कोई डेट नहीं, पर अगर होती तो ये इसमें दिखा देगा। जैसे मैं डाल देता हूँ कल आने वाली डेट क्या होगी, बारह तारीख, और बीती हुई एक डेट भी डाल देता हूँ, बस। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कल टुमारो पे क्या आएगा, कल की तारीख वाली। अब ये फिल्टर लगा के मान लीजिए आपने फाइल क्लोज कर दी, अगले दिन खोलेंगे तो वो उससे अगले दिन के फिल्टर दिखाएगा इसमें, ठीक है जी। टुडे आज की तारीख वाली, यस्टरडे जो बीत गया उसकी, नेक्स्ट वीक आने वाले वीक की, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक, देन दिस वीक, इस हफ्ते में जो जो थी, देन लास्ट वीक जो बीता है उस वीक की, इसी तरह से नेक्स्ट मंथ आने वाले मंथ की, दिस मंथ इस मंथ की, और लास्ट मंथ बीते हुए मंथ की, इसी तरह से नेक्स्ट क्वार्टर दिस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर दिस ईयर लास्ट ईयर, ठीक है जी, सेम है सब। ईयर टू डेट, ईयर टू डेट का मतलब है कि 1 जनवरी 14 से, मतलब इस ईयर की शुरुआत से आज तक की डेट का डेटा, ठीक है जी। 10 अक्टूबर तक का देखेंगे, उससे बाद का नहीं देखेंगे, ठीक है जी, ईयर टू डेट। देन उसके बाद है ऑल डेट्स इन पीरियड, क्वार्टर वन क्वार्टर टू, जैसे जनवरी किया तो टोटल जनवरी का डेटा, ठीक है जी। ईयर डिपेंडेंट नहीं है, जनवरी मतलब जनवरी, वो किसी भी ईयर की हो, ठीक है जी। क्वार्टर वन मतलब क्वार्टर वन किसी भी ईयर का क्वार्टर हो, ठीक है जी। इसके अंदर सारे चीज ऐसे ही चलेगी, आपके पास मंथ नेम है और क्वार्टर, ठीक है। जो भी सिलेक्ट करेंगे वो पूरा पूरा दिखाएगा आपको, जुलाई अगस्त सितंबर किसी भी ईयर, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डेट फिल्टर। अब देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर क्या क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल्टर में पहला है इक्वल्स, इक्वल्स में कुछ भी डाल देंगे तो आपको वो फिल्टर करके दिखा देगा, ठीक है जी। संदीप का डेटा आ गया मान लीजिए, डज नॉट इक्वल मतलब इसको छोड़ के किसी का डेटा, बाकी सारा इसको छोड़ के बाकी सबका डेटा आ गया। बिगिंस विद सबसे अच्छा ऑप्शन, कि जो एस से शुरुआत हो रही है जिनके नाम की वो आ जाए, तो स्टार्टिंग विद एस वो वाले आ गए अपने पास। एंड विद मतलब जिसके नाम के एंड में एच है वो आ जाए, तो नाम के एंड में एच आ रहा है,
एंड कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब होता है कि इसमें बीच में कुछ भी हो, जैसे मैंने कहा जिसके नाम के बीच में आर हो, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, या बीच में हो, कहीं भी हो, वो आ जाए। तो आर वाला आ गया, हरीश ही नाम है ऐसा। डज नॉट कंटेन कि या ये टेक्स्ट ना हो, वो वाला डेटा, तो वो डेटा आ गया हमारे पास। देन तो ये आपका हो गया आपका टेक्स्ट फिल्टर। नंबर फिल्टर देखते हैं। नंबर फिल्टर में वही इक्वल डज नॉट इक्वल तो सेम ही है, इक्वल टू इसका है, तो 11 के तो 11 वाला डेटा आ गया। डज नॉट इक्वल वो लेफ्ट कर देगा कि ये नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी डाल दो। ग्रेटर देन, मैंने कहा कि 10 70 से बड़े होने चाहिए, तो 70 से ऊपर के सारे आ गए। ग्रेटर देन और इक्वल टू इंक्लूडिंग 70, 70 से बड़े और 70, तो ये आ गया। लेस देन और लेस देन इक्वल टू भी सेम ही है कि 50 से छोटे दिखाए, 50 से छोटे, लेस देन इक्वल टू है 50 और 50 से छोटे, बिटवीन 10 से 30 तक इसके बीच का डेटा। देन टॉप 10, टॉप 10 में टॉप 10 और बॉटम 10, 10 की जगह टॉप 5 भी कर सकते हैं। तो टॉप 5 जो बड़े 5 रिजल्ट है वो आ गए, इसी तरह से छोटे 5 रिजल्ट जो है वो भी ले सकते हैं। बॉटम में 5 की जगह 10 भी ले सकते हैं, जितना भी लिखेंगे उतना हो जाएगा। सबसे छोटे पर इसमें रेंज का कुछ गड़बड़ दिखा। एक इसमें ऑप्शन होता है आपके पास परसेंट का, टॉप 5%। 5% मतलब हो गया कि जितना आपका डेटा है, जैसे 666 का डेटा है, 600 का है, तो 5% हो गए 34 रिकॉर्ड 600 में से, तो ये उतने रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करेगा। जितना डेटा होगा, जितने रिकॉर्ड्स होंगे, उसका 5% डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह बॉटम 5% भी आप यूज कर सकते, अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर के, मतलब इन सब का एवरेज निकाल लेगा, और एवरेज जितनी निकली होगी उससे ऊपर के जितना भी डेटा होगा वो दिखा देगा। बिलो एवरेज, एवरेज से छोटे। तो ये था आपका नंबर फिल्टर। संदीप जी, हाँ जी सर, रिपीटेड डेटा कैसा देखना है, कैसे डिलीट करना, सॉर्ट कैसे करेंगे या फिल्टर कैसे करेंगे, रिपीट हुआ गया रहेगा डेटा को, अगर आपका डेटा रिपीटेड है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें एक रिपीटेड डेटा ले देता हूँ, मान लीजिए ये लिस्ट, एक तो चीज है कि आपको फॉर्मूला के बेस से भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मैं आपको आसान तरीके बताता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। मैं बेसिकली पूरा का पूरा लाइन रिपीट हो गया, उसका पूरा डेटा डबल हो गया। अच्छा डबल हो गया, तो आप एक डेसिमल वाला रखना चाह रहे हैं। हाँ, सो अगर ये देखा, अगर लाइन 1 अपना लाइन 2 है 1 जनवरी संदीप और वो, उसको वापस एक बार रिपीट हो गया गलती से, तो वो कहाँ से निकालना और डिलीट कहाँ से करना, ये देखिए मैं ऐसा करता हूँ, इसके साथ का भी डेटा उठा लेता हूँ, पर ये किस में रिपीट करके दिखा देता हूँ।
हालांकि इसमें तो रिपीट हो ही रहा होगा एक आध बार, मान लीजिए ये हो गया रिपीट है, और यहाँ पे एक और भी रिपीट कर देते हैं, यही नहीं कहीं भी रिपोर्ट रिपीट हो इसमें, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। डेटा में चले जाइए, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है अपने पास, क्लिक कीजिए तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, कॉलम आएंगे कि रिमूव, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों के हिसाब से डिलीट करेगा। इसमें मैं ये ऑप्शन चेक कर दूंगा, माई डेटा हैज हेडर्स, तो हेडर्स पे क्लिक करते ही इसके हेडर यहाँ आ जाएंगे, हेडर को लीव कर देगा, देन दबाऊंगा ओके। तो ये दिखा रहा है दो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 8 यूनिक वैल्यूज रिमेन, ओके सर, तो दोनों की दोनों डिलीट हो गए, ठीक है जी। अब वो डुप्लीकेट्स को ऐड करना है, तो अब उसमें ऐड करना है, ऐड करने के लिए तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है सर, अभी मैं इसको कंप्लीट करूँ कि जैसे अब मैंने तो डुप्लीकेट कर दिया, तो इसमें क्या हुआ कि पूरे सेल के हिसाब से इसने दो लोग कॉलम चेक किए कि उसमें डुप्लीकेट है कि नहीं, मतलब संदीप पलवल है और अगला संदीप फरीदाबाद है तो ये नहीं छेड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि उसके लिए रिकॉर्ड वो यूनिक हो जाता है। पर अगर आप सिंगल सिलेक्ट करके करते हैं रिमूव डुप्लीकेट, तो इसमें से ये यूनिक कर देगा, तीन डुप्लीकेट वैल्यू यूनिक कर देगा, ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि आपको डबल करना है, तो डबल करने का एक, डबल करने के लिए वैसे तो आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी उसके बाजू, अभी संदीप पालवाल के बाजू नंबर है, 100 है, नंबर का कॉलम है, तो अब दो संदीप है, 200 है, दो पलवाल है, तो वो संदीप पलवाल रहेगा, पर वो 100-200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 100-200 होना है, क्योंकि दो बार रिपीटेड है ना, 100-200 समझा नहीं, वो एडिशन करना है आपको, है जी। अभी संदीप पलवाल अगर साइड में सेल्स भी दिए हुए हैं और सेल्स हो गए तो संदीप पलवाल के नाम से दो बार 100 आ गया, अच्छा दो बार बेसिकली संदीप पलवाल के नाम से 200 आना चाहिए, ऐसे बोल रहे। तो रनिंग टोटल में आप चाह रहे हैं, अच्छा 200 आना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, हाँ, या अच्छा अच्छा, तो वो सब होता है सर पाइवट टेबल में, अच्छा अच्छा, कैसे होगा देखो, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो पाइवट टेबल होता है इसका, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पाइवट टेबल तो हम करेंगे, उसमें इस चीज पे चर्चा करेंगे, ठीक है। sure. तो अभी मैंने डुप्लीकेट करना आपको दिखाया, और भी चीज दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा इसमें डुप्लीकेसी में, कि हम फॉर्मूला के जरिए भी करते थे ये चीज, तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता था उसको, जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता था, काउंट काउंट इफ, इसमें बगल में फिर ये फुल रेंज थी, क्राइटेरिया भी, काउंट इफ आपने यूज किया है कभी? नहीं, वो सीखना था। काउंट इफ और काउंट इफ्स वो सीखना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले काउंट इफ्स काउंट इफ बता देता हूँ। काउंट इफ का जो है वी लुकअप के साथ भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है ऑटोमेशन के लिए। तो बेसिकली काउंट इफ होता क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, काउंट क्या करता है मैं काउंट के सारे ही बता देता हूँ। अगर सिंपल काउंट कहें तो ये काउंट करता है, ठीक है जी, नॉर्मल काउंटिंग करता है, बट यहाँ पे आपको दिखाएगा जीरो, क्योंकि ये खाली नंबर काउंट करता है, ठीक है जी, अल्फाबेट्स नहीं काउंट करता। तो अगर मान लीजिए आपको अल्फाबेट्स भी काउंट करने हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, काउंट ए, का मतलब है काउंट अल्फाबेट्स, काउंट अल्फाबेट्स दिखा दिए। इसी तरह से एक फंक्शन हमारे पास है काउंट ब्लैंक,
तो ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है। एक मिनट, पाइवट टेबल का यूज किस लिए किया जाता है? डेटा को एनालाइज समराइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी। अब डेटा जैसे किस किस डेटा में, मतलब कैसे क्या एनालाइज करेंगे, क्या समराइज करेंगे इसमें? जैसे कि आपकी क्वेरी, कोई भी डेटा होता है उसके रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट की हमेशा क्वेरी रहती है। जैसे इस डेटा को देखें तो इसमें हम ये क्वेरी कर सकते हैं कि एक साल में कितनी सेल हुई है, एक साल में इस रीजन में कितनी सेल हुई है, इस सिटी में कितनी सेल हुई है, एक साल में एक एम्प्लॉय की कितनी सेल हुई है, एक एम्प्लॉय की 10 साल की सेल कितनी है, एक सिटी की 5 साल की सेल कितनी है। ठीक है जी। मंथली सेल कितनी है किसी भी चीज, तो इस तरह से बहुत सारी क्वेरीज बनती हैं, तो उन क्वेरीज की बनेगी रिपोर्ट। ठीक है जी। तो इसके लिए यूज होता है अपना पाइवट टेबल। अब कैसे करते हैं पाइवट टेबल को? आप इसको अपने डेटा पे क्लिक कीजिए। डेटा जैसा कि मैंने बताया वही वाला कंट्रोल ए वाला सिस्टम है कि बीच में कहीं ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। और हाँ, पाइवट टेबल में हेडिंग्स बहुत जरूरी है, तो विदाउट हेडिंग के पाइवट टेबल चलेगा नहीं आपका। ठीक है। हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, देन पाइवट टेबल है इसमें, इस पर क्लिक करेंगे पाइवट टेबल। ठीक है जी। ओके कर देंगे, आपके सामने पाइवट टेबल ऑटोमेटिक पूरा डाटा ले लिया क्या पाइवट टेबल? हाँ, ऑटोमेटिक सिलेक्शन करने की देखिए जरूरत जब रहती है कि जब आपका डाटा अनमैनेज्ड हो, पर गैप्स वैसे डाटा मैनेज्ड है। जैसे ही मैं कंट्रोल ए दबा रहा हूँ पूरा डाटा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। ओके। तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लेता है। अब इसमें क्या है कि अब पाइवट टेबल आ गई तो आपके राइट साइड में जो पैनल है यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट इस तरह से आ रहा है, जिसमें आपको सारी हेडिंग दिखाई दे रही है। देन उसके नीचे चार पार्ट हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल और वैल्यूज। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी क्वेरी है, मैं ये कहता हूँ कि एक एम्प्लॉय की सेल कितनी है हर एम्प्लॉय की, तो नेम को क्या कर दूंगा, जो भी प्रायर होगा उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा या ऑटोमेटिक रो में चला जाएगा, रो लेबल में, जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ रो लेबल में चला जा रहा है। पर चाहूं तो मैं इसको शिफ्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। क्लिक करके ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है जी। तो जो हमारी पहली प्रायोरिटी है जिससे रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है, जैसे एम्प्लॉय की रिपोर्ट है, तो एम्प्लॉय की प्रायोरिटी पहले होती है कि वो रो में आ जाए, रो में डाल देते हैं। देन मैंने कहा कि हर एक बंदे की टोटल सेल कितनी है उस डेटा में, तो मैंने क्या किया, सेल्स को ले लिया। सेल्स को कहाँ लूंगा, ये वैसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा वैल्यूज में। ठीक है जी। वैल्यूज में जो होता है, अगर ना आए तो आप ड्रैग करके ला सकते हैं। ठीक है जी। कई बार आपको इधर मिल जाएगा तो यहाँ ड्रैग कर सकते। ठीक है जी। अब वैल्यूज में क्या होता है, ऑटोमेटिक ले लेता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी ये पैनल आपको दिखाएगा, अगर इस डेटा से बाहर रहेंगे तो ये पैनल नहीं दिखाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हर एक की सेल्स आ गई। ठीक है जी। अब सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि एक एम्प्लॉय की इस सिटी में कितनी सेल है। अब क्या करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी बन गई मेरी सिटी। सेकेंड वाली को कहाँ डालते हैं हम लोग, कॉलम में। अगर डेटा इतना ही है, वैसे रो कॉलम में कहीं भी डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए सिटीज आपकी ज्यादा है, ज्यादा लंबा हो जा रहा है, फिर टेबल नहीं है, तो हम इस तरह से कर देते हैं कि प्रिंट आ जाए सही से। ठीक है। तो मैंने सिटी को कॉलम में डाला और हर एक
व्यक्ति की इंडिविजुअल सेल दिखा देगा, जैसे कि यहाँ संदीप की दिखा रहा है पलवल में इतनी, फरीदाबाद में इतनी सेल है, टोटल इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी आ गया हर एक का, और सिटी वाइज ग्रैंड टोटल यहाँ दिखा, पलवल में टोटल कितनी, फरीदाबाद में, नोएडा में। चाहे तो इसको स्विच भी कर सकते हैं, सिटी को यहाँ ले जाते हैं रो में, नेम को कॉलम में ले जाते हैं, तो सिटीज यहाँ आ गई, नाम यहाँ आ गए, सेम वही रिपोर्ट। 2003 के 2003 के एक्सेल में भी ऐसे ही था क्या पिवट टेबल? हाँ थोड़ा बहुत ऐसे ही था, उसका आसान था तो ओके, ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा, इसमें ऐसा है ना, इसमें समझ नहीं आता कि करना क्या है, उसमें समझ आता जाता था आसान है। वहां पे जैसे रो कॉलम यहाँ दिख रहा है, वहां आपको शीट पे ही दिखता कि यहाँ रो डालें, यहाँ कॉलम डालें, यहाँ डाटा डालें, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को स्विच कर दिया, ये दिखाने लगा मेरा डेटा। अब चलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज पे। अब मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैं यहां से इसको बाहर खींच दूंगा, ठीक है जी, नेम को वापस ले जाऊंगा। अब वो मंथली ईयरली रिपोर्ट वगैरह वो मुझे चाहिए, ठीक है, उसकी मैंने बात कही। तो डेट पे मैं क्लिक करता हूँ, डेट में तो डेट ही पड़ी है सारी। इसकी प्रायोरिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे भी जैसे आपकी सिटी इस तरह से आ रही है तो संदीप के बाद हर एक की वो उसकी सेल को, हर एक एम्प्लॉय की सेल को हर एक सिटी की दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से सिटी को ऊपर कर दूंगा तो क्या हर एक सिटी में एम्प्लॉय की सेल को दिखाएगा, ठीक है जी, ये रिपोर्ट ऐसे चलती है। मैं क्या करता हूँ, सिटी को हटा देता हूँ, डेट, और डेट को मैं ऊपर ले लेता हूँ नेम से पहले। जो पहला कॉलम होगा रिपोर्ट उसी के हिसाब से सॉर्टेड होगी, कहने का मतलब, ठीक है जी। तो पहला मैंने ले लिया डेट, हर डेट में किस किस की सेल हुई ये दिखा रहा है, पर डेट से तो मुझे वो नहीं पता पड़ रहा कि ना कि मुझे किस ईयर में क्या क्या चाहिए, नहीं पता पड़ रहा कुछ, और रिपोर्ट भी अजीब सी लग रही थी। मुझे चाहिए मंथली रिपोर्ट। मैं क्या करूंगा, जब ये आपका पाइवट टेबल सिलेक्टेड होगा तो ऊपर आपके ऑप्शन और डिजाइन दो टैब आ जाते हैं पावर पाइवट, ये पाइवट टेबल के, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अपने पास से आप डेट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ ग्रुप वाले सेक्शन में चले जाइए, ग्रुप फील्ड, ये वाला ग्रुप फील्ड, इस बटन को जब दबाएंगे तो इसमें स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है जी। अब मुझे रिपोर्ट चाहिए मंथली, मंथ को क्लिक किया, ओके कर दिया, क्या हो गई रिपोर्ट मंथली, जनवरी फरवरी आ गया। पर इसमें वही बात है कि हर ईयर की इकट्ठी हो गई, ठीक है जी, मतलब जनवरी चाहे किसी भी ईयर की हो, वो हो गई। मुझे ईयर ईयर भी अलग से चाहिए, ईयर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है जी, दोनों इकट्ठे सिलेक्ट कर लिए। अब क्या दिखा रहा है, ये जो अपने प्लस माइनस के साइन है ना, इसको एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। तो कोलैप्स यहाँ से कर दिया मैंने, ये हर एक ईयर का डेटा दिखा रहा है। तो एक किसी पर्टिकुलर ईयर का खोल के देखना है, जैसे मुझे देखना है 2014 का, तो मैंने यहाँ से प्लस को एक्सपेंड किया तो यहाँ जनवरी फरवरी में क्या क्या डेटा था वो दिखाने लगा, ठीक है जी, और हर एक ईयर का पर्टिकुलर डेटा दिखाने लगा। इस ईयर को ऐड करूंगा, इसको कोलैप्स कर दूंगा कि जनवरी फरवरी में कितना क्या डेटा था, ठीक है जी, एक्सपेंड कोलैप्स, ठीक है। तो आपकी एक मतलब रिपोर्ट जो है आपके मिनटों में आपके सामने रहती है, ठीक है जी, सही है। तो
ये तो रहा ग्रुप फील्ड, अभी मैंने दिखाया आपको। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप ग्रुप फील्ड में से ये चीज हटा देता हूँ, डेज पे ला देता हूँ और इसको हटा ही देता हूँ डेट को, यहाँ हटा दिया। अब क्या करते हैं कि नंबर की ग्रुपिंग भी की जा सकती है, नंबर को देखते हैं। अब मैं सेल्स के साथ एक चीज और ऐड कर देता हूँ, क्वांटिटी। किसी की सेल हुई तो कुछ क्वांटिटी की सेल हुई, कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी जो भी, मैं उसको ले लेता हूँ। हाँ, कुछ क्वांटिटी सेल हुई, अब मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना है इसमें। अब क्वांटिटी मैंने वहां बढ़ाई है, पर अब मुझे पाइवट टेबल में जाके देखूंगा तो कुछ नहीं दिखा रहा है। हालांकि पाइवट में कोई अपडेशन करते हैं तो आपको ऑप्शन में जाके रिफ्रेश करना होता है, पर यहाँ पे अभी आपको दिखा नहीं रहा है। उसमें क्या होता है कि जो डेटा हमने पहले सिलेक्ट किया था वो अब चेंज हो चुका है, तो चेंज डेटा सोर्स करना पड़ेगा, तो अपडेट करना पड़ेगा। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे ऑप्शन के अंदर, तो अब देख रहे हैं कि जो डेटा सिलेक्टेड है वो डी कॉलम तक सिलेक्टेड है, ई नहीं है। या तो यहां से चेंज कर दीजिए या यहाँ पे जाके इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो अब मेरी क्वांटिटी भी आ गई मेरे यहाँ पे। अब मैं क्वांटिटी का साथ में इवेल्युएशन करता हूँ, तो क्वांटिटी को अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरह से इवेल्युएट करना है। ठीक है जी, देखिए जैसे क्वांटिटी और सम आ गए यहाँ पे, तो कितने भी जो कैलकुलेशन वैल्यू है आपकी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। जब आपकी वैल्यूज में दो चीजें हो जाएंगी सम करने वाली या दो चीजें कैलकुलेट करने वाली हो जाएंगी, तो एक वैल्यू का कॉलम, वैल्यू की फील्ड कॉलम में बन जाएगी। इसका मतलब होता है कि आप ये जो कैलकुलेशन है वो कॉलम में दिखाना चाहते हैं, या इसको ड्रैग कर सकते हैं, इसको रो में भी दिखा सकते हैं। ठीक है जी, जब दो होती है तभी आती है वैल्यू की फील्ड, तभी अपीयर होती है। अब मेरी क्वेरी ये है कि मैं चाहता हूँ कि कैटेगराइजेशन हो जाए क्वांटिटी की। मैं क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, क्वांटिटी ऊपर डाल दी मैंने। मैं चाहता हूँ कि जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से डेटा तैयार करना है कि 10 से 20 की सेल कितनी है, 30 से 40 की कितनी है, इस तरह से। तो इसके लिए मैं जाऊंगा ग्रुप फील्ड में, ये नंबर वाली फील्ड सिलेक्ट करके ग्रुप फील्ड में। तो स्टार्टिंग एंडिंग अपने आप ले लेता है, कितने के ग्रुप बनाने हैं, मैं कहता हूँ 20-20 के ग्रुप बना दो। तो कैसे ग्रुप बने ये, 10 से 29, 30 से 49, 50 से 29, 75 से 89, 90 से 109, 110 से 129, 130, उनका डेटा आ गया है सेल्स का। ठीक है जी, कैटेगराइजेशन हो गई, ये सब ऐड होके आया है, लेकिन इसने कितने कितने बार किया ये देख सकते हैं क्या इसमें, क्या चीज कि मतलब कितने बेसिकली काउंट कर सकते हैं वापस, इसको आप काउंट करना चाहते हैं ये रिकॉर्ड को? हाँ, तो इसका एक ऐसे करते हैं, अगर फर्स्ट नंबर है, संदीप का फर्स्ट नंबर है 731, वो कितने बार करके आया ये आ सकता है क्या सर? इसमें आप कोई भी जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है, अगर आपको देखना हो कि उसका डेटा क्या था, ठीक है जी, तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये डेटा था। ओके, ठीक है जी, वो अलग शीट पे बन के आ जाएगा आपको। ठीक है जी, जैसे आपने देखना है कि इसका कितना है, ये लो डबल क्लिक कर दीजिए, पूरी लिस्ट आ जाती है आपके सामने। ओके,
ये तो वो चिंता की तो बात ही नहीं है इसमें। अब देखते हैं कि इसमें मैंने ग्रुपिंग कर दी, अब मैं ग्रुपिंग हटा देता हूँ, ग्रुप फील्ड में जाके या अनग्रुप कर देता हूँ। अब थोड़ी सी सेटिंग देखते हैं इसकी कि इसकी सेटिंग्स और क्या क्या है। 2000 जो अपना इसमें था, 2003 में एक यूज होता था क्लासिक पाइवट टेबल, उसको क्लासिक पाइवट टेबल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अभी मान लीजिए इस डेटा को आप कॉपी पेस्ट करके ले जाएं, तो इसमें दो चीजें मर्ज हो रही हैं, आपकी नेम भी आ रहा है और सिटी भी आ रही है एक ही कॉलम में, तो अलग अलग करने का तो कोई चांस ही नहीं इनको। मान लीजिए कोई ऐसा डाटा बनाना है उसके बाद आपको फिर से उस पर पाइवट लगानी है, दो तीन पाइवट लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए एक व्यू होता है अपने पास, तो राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले में चले जाएंगे और यहां डिस्प्ले क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, ओके कर दो। तो इस तरह से टेबलाइज फॉर्म में आएगा, ओके ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये टोटल बार बार नहीं चाहिए, संदीप टोटल, हरीश टोटल, ये सब चाहिए ही नहीं। मैं हटाना चाहता हूं, राइट क्लिक कीजिए और ये सब टोटल नेम आ रहा है ना, इसको अनचेक कर दीजिए, हट गया। अब मैं चाहता हूं कि एक रिपोर्ट की फॉर्म देनी है, तो इसको क्या करूंगी, ये सेल मर्ज हो जाए, ठीक है, मर्ज हो जाए सारी की सारी, यहां गैप आ रहा है, राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका यहां पे भी आता है, ऑप्शन के इस ऑप्शन टैब के अंदर भी, ऑप्शन में भी ये ऑप्शन आता है, मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल, मर्ज हो गई, ठीक है जी। और क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि एक लाइन का गैप दे देना, ब्लैंक रो, डिजाइन में जो भी मैं कर रहा हूं यहां पे भी, डिजाइन के अंदर आपका है ब्लैंक रो, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो हर एक लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन आ गई, ठीक है, रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, मर्ज सेंटर को मैं ठीक कर देता हूं, देखिए सेटिंग्स देख लीजिए, इसमें सब टोटल होते हैं, जैसे सब टोटल था वो इकट्ठे हटाने हैं सबके, तो यहां से हटा सकते हैं, डू नॉट शो सब टोटल, शो ऑल सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल, शो सब टोटल टॉप ऑफ द ग्रुप, ठीक है, ये क्लासिक लेआउट है इसलिए इसमें टॉप पे नहीं दिखाता, टोटल जो है यहां पे नहीं दिखाता। तो रिपोर्ट लेआउट भी हमारे पास है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म है हमारे पास, पहले जैसी जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म है, आउटलाइन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी, तो तीन तरह के लेआउट हैं। अब इसमें जो था हमने शो ऑल सब टोटल बॉटम ऑफ द ग्रुप, ये नीचे दिखा रहा है, टॉप ऑफ द ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर दिखाएगा, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल दिखाता है ये, जैसे मैं सिटी को यहां कर देता हूं, तो यहां पे ग्रैंड टोटल आ रहा है, तो ऑफ करना है आपको, कोई भी नहीं चाहिए ग्रैंड टोटल, या ऑन फॉर रोज एंड कॉलम चाहिए, खाली रो पे चाहिए या खाली कॉलम पे चाहिए, ठीक है जी, तो इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। देखिए एक बात है कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो ग्रैंड टोटल दिखा रहा है हमें,
ये एक ही का दिखा रहा है, ठीक है जी। अगर मैं क्वांटिटी कहूं, क्वांटिटी मैंने कर दी, ठीक है जी। अब सिटी सम सेल्स और क्वांटिटी दोनों का पलवल में दिखा दिया, ठीक है जी। फरीदाबाद मैं चाहता हूं कि सिटी का पहले आ जाए, मतलब एक जगह सेल्स की सम आ जाए, एक जगह क्वांटिटी का सम आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैल्यू फील्ड जो है वो सिटी के नीचे आ रही है। अगर वैल्यू को मैं ऊपर कर दूंगा तो यहाँ इसका समीकरण बदल जाएगा, सेल्स का जो है वो हर एक सिटी का अलग अलग आ जाएगा, क्वांटिटी का अलग अलग आ जाएगा, ठीक है जी। फिर दोनों का ग्रैंड टोटल आ जाएगा, सेल्स का और क्वांटिटी का, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए इस डेटा में अभी तक तो हमने क्या किया, क्वांटिटी वगैरह कर लिया। मैं क्या करता हूं कि सेल्स अभी एक दिन की थी अपने पास, अब सात दिन की सेल्स ले लेता हूं, सात दिन की सेल्स ले रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सेल्स क्वांटिटी का बता। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि मेरे को यहाँ पे वो बाकी जो मैंने कॉलम बढ़ाए वो दिखा सके। तो चेंज डेटा सोर्स करना पड़ेगा। देखिए इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है क्या कि मैं बार बार ये करता रहूं, तो इसका एक सॉल्यूशन है। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल और रेंज, ठीक है जी। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका, इसको आप कर दीजिए कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, कंट्रोल टी आ जाता है, कंट्रोल टी होता है, कंट्रोल टी दब दब जाएंगे तो कन्वर्ट टू टेबल हो जाएगा, माय टेबल हैज हेडर्स हेडर्स ले लिए, तो ये टेबल में बदल गया, ठीक है जी। टेबल में बदल गया, अब टेबल के नाम से, टेबल का नाम क्या आ रहा है, टेबल थ्री आ रहा है, ठीक है जी। अब टेबल थ्री को हम उसमें दे देंगे, इसके अंदर डेटा सोर्स में, तो बार बार हमें क्या है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। सारी चीजें आ गई, उसमें कोई अपडेशन करेंगे तो इसमें आ जाएगा, बस आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, कॉलम बढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो मेरे पास सात दिन की सेल्स आ गई। मैं क्या करना चाहता हूँ, सात दिन की सेल्स को टोटल देखना चाहता हूँ इकट्ठे, सात दिन की टोटल सेल कितनी है। बट इसमें तो कोई अपना ग्रैंड टोटल भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो अपना अपना खाली करते हैं। ग्रैंड टोटल कहाँ काम करते हैं कि जैसे ये वाला सम है ना, ये अलग अलग सिटी में एक ही फील्ड का है तो उसका ग्रैंड टोटल निकालता है। पर अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है तो उनका इकट्ठे टोटल नहीं करेगा। तो कभी ऐसा करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा, तो यहां पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला इसके अंदर। या तो एक तरीका है कि मैं इस डेटा में यहां पे सम का फॉर्मूला लगा के ड्रैग करके फिर वहां पे जाऊं, और अदरवाइज मैं डेटा में कोई चेंज ही नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली यहां कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए जिसके थ्रू मैं कर पाऊं। मैं क्या करूंगा, यहां से फॉर्मूला में जाऊंगा, ऑप्शन में फॉर्मूला है, यहां पर मेरे पास क्या है, कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड फील्ड पहला देखूंगा मैं, यहां पर मैं नाम दे दूंगा क्या करना चाहता हूं, मैं टोटल कर देता हूं, ठीक है जी। और यहां मुझे वो फॉर्मूला देना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या देना है, यहां से सेल्स
वन इक्वल टू से स्टार्ट होगा इंसर्ट फील्ड देन प्लस का साइन, ये इंसर्ट फील्ड देन प्लस इंसर्ट फील्ड देन प्लस इंसर्ट फील्ड प्लस इंसर्ट फील्ड प्लस इंसर्ट फील्ड देन प्लस इंसर्ट फील्ड, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हो गया कि सबका टोटल करना है, ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरा टोटल होके आ गया सबका, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे तो एक फील्ड और बढ़ चुकी है, तो बाकी किसी की मुझे जरूरत ही नहीं, मेरे को तो मिल गया टोटल 7 दिन का, ठीक है जी। ना मुझे डेटा में चेंज करना पड़ा, पर मेरा काम हो गया इसमें, ठीक है सर। आगे देखते हैं, इसी तरह से इसमें होता है कैलकुलेटेड आइटम्स। मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो कैलकुलेटेड फील्ड होती हैं, जो जिसपे आप कैलकुलेशन करते हैं, और टेक्स्ट जैसी होती है, जैसे नेम सिटी, उनपे होता है फील्ड कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेटेड आइटम देखेंगे, कैलकुलेटेड आइटम में क्या होता है, जैसे हमने ग्रुप कर दिया था ना उसको, तो इसको भी ग्रुप कर सकते हैं। क्या है, पिवट टेबल रिपोर्ट फील्ड इज ग्रुप, यू कैन नॉट क्रिएट, ओके अच्छा अनग्रुप करना पड़ेगा, और मैंने तो ग्रुप किया ही नहीं किसी को, ओके इसको हटा देता हूं मैं। ये जी तो कैलकुलेटेड अभी भी आ रहा है, ये टोटल मुझे हटाना पड़ेगा। टोटल को हटाने के लिए मान लीजिए आपको अगर इसको हटाना है, तो ये सॉल्व ऑर्डर में इसमें जाते हैं हम लोग, क्या नाम है, कैलकुलेटेड फील्ड में। तो यहाँ पे वो जो फील्ड है वो आपको दिखाई दी जाएगी, और यहाँ से डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखता हूँ चल जाए, वैसे इसमें चलना तो चाहिए, कहीं ग्रुपिंग हो रखी है, कहाँ ग्रुपिंग हो रखी है, ग्रुप 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 डेट में मैंने कर रखा है, मैं क्या करता हूँ इसमें से क्लियर क्लियर ऑल। अब देखते हैं नेम सेल्स, हाँ तो मेरा फील्ड्स किस लिए यूज होते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड क्लियर करने से सारी भी फॉर्मेटिंग जो भी पिवट टेबल में हुई होगी वो सब उड़ जाएगी। तो इसमें भी हम फॉर्मूला डालते हैं, नेम सिटी नेम का जितने भी फील्ड्स हैं इसमें दिखा रहा है। अब मैंने क्या करना है, सिटी मैं क्या करता हूं कि तीन बंदे मुझे क्या करने हैं, संदीप और हरीश की कंबाइंड सेल दिखानी है। तो संदीप प्लस हरीश, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला वन के नाम से दिखा रहा है इसको, मैंने जल्दी क्लिक कर दिया फॉर्मूला वन। इसमें मैं आगे नाम देख सकता हूँ, और इसका मैनेजर है मान लीजिए मनीष, ठीक है जी, क्योंकि तो ये टीम लीडर है और ये दोनों एम्प्लॉय हैं इसके अंदर के। अब क्या होगा, मनीष ये आपके सामने दिखाने लगा मुझे मनीष का डेटा, मनीष उन दोनों की सेल जो है वो इसकी सेल में आने लगी। पर ये क्या है कि ये डेटा जो है ये फॉल्स हो जाता है उस केस में। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि आपको ये दिखाता है, इसका भी टोटल दिखा रहा है, फॉर्मूला वन भी 13912 13912,
इन दोनों को ऐड करके ग्रैंड टोटल जो दिखा रहा है वो एक्चुअल से कितना ज्यादा दिखा रहा है। तो जब भी आप इसको यूज करें बड़ी सावधानी से यूज करें। यहाँ पे आपके फिल्टर्स हैं, तो इस फिल्टर में से मैं ये फॉर्मूला वन और यहाँ संदीप हरीश हटा देता हूँ, मनीष ही देखना है मुझे। तो नया वाला डाटा वो इतना होगा, अगर ऐसे एक्चुअल डाटा देखना है तो मुझे वो इस हिसाब से होगा। कैलकुलेटेड फील्ड्स हम लोग यूज करते हैं, कैलकुलेटेड आइटम यूज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ फॉर्मूला वन डिलीट, और यहां से मनीष ये भी डिलीट कर दो, यहां से फिल्टर रिलीज कर दो। ठीक है जी, तो कैलकुलेटेड आइटम और कैलकुलेटेड फील्ड्स हमने देखा। हम मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमें बनानी होती है रिपोर्ट, ऐसा है कि जैसे हर एक सिटी का कोई ना कोई हेड है और इस सिटी के हेड को हमें ये सारी सेल्स भेजनी है। ठीक है जी, कि आपकी सिटी में कितना कितना हुआ है। अब उनको मैं क्या करूंगा, उनकी सिटी की भेजनी है, हर एक सिटी के का मुझे अलग अलग भेजनी है, तो मैं उसको सेग्रीगेट कैसे करूंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या तो मैं जो मैंने आपको तरीका बताया था कि यहां से जाके डबल क्लिक करके उधर से इस हिसाब से दूं सिटी वाइज, अदरवाइज फिल्टर करके दूं, तो कैसे दूं नहीं समझ आ रहा। तो इसको क्या कीजिए, सिटी को उठा के रख दीजिए रिपोर्ट फिल्टर में। यहाँ पे तो रिपोर्ट फिल्टर में क्या है कि आप जो भी सिटी सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल भी है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो सिटी का डेटा आ रहा है, अभी मैं सबका सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं सिटी का डेटा अलग अलग इसमें से छांट सकता हूँ, बट मान लीजिए कि आपके पास सिटी 300-400 आ गई, तो उसको करेंगे कैसे, इतनी सारा डेटा पूरे दिन लगने का काम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सिंगल क्लिक में ऐसा काम हो सके, तो हम डिजाइन पे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। सिटी यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट फिल्टर में आपने डाले होंगे वो फील्ड आ जाएगी, ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हर एक सिटी की शीट बन के आ गई है, अलग अलग शीट। अरे वाह, तो इनको आप भेज सकते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए आपको एम्प्लॉइज को उनकी सेल्स देनी है, उनका भी हक है, सब जानते हैं, तो उनको भी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, नेम को ऊपर कर देता हूँ, सिटी को कर देता हूँ, और यही मेथड अप्लाई करता हूँ ऑप्शन में जाके, ऑप्शन में शो फिल्टर पेजेस नेम, ओके। तो हर एक एम्प्लॉय की बनी बनाई रिपोर्ट आ गई। ठीक है जी, कि उनकी सेल कितनी है। ठीक है जी, कुछ कोई भी रिपोर्ट हो, कैसी भी रिपोर्ट हो, बहुत फास्ट प्राइवेट टेबल के जरिए किया जा सकता है, हर तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। देन क्या है, थोड़ी सी आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिजाइन में हमारे ऑप्शन में हमारे पास ये तीन पैनल है, फील्ड लिस्ट कभी आपकी गायब हो गई हो तो यहाँ से आती है, बटन प्लस माइनस के कभी ना आ रहे हो, जैसे नेम या जैसे ये बटन प्लस माइनस के ना आ रहे हो या हटाने हो तो आप यहाँ से कर सकते। फील्ड हेडर्स, ये जो हेडर्स आ रहे हैं, रो लेबल वैल्यू वो गायब। ठीक है, तो तीन यहां से करते हैं,
देन इस पे अभी और ऑप्शन देखते हैं पाइवट टेबल में। नेक्स्ट इसमें करते हैं अपना पाइवट टेबल में बाहर से कैसे हमें डेटा लेके आना, किसी फाइल को बिना खोले उसमें पाइवट लगाना। अभी ये तो क्या है कि डेटा यही है, ठीक है जी। पर उससे पहले मैं एक और छोटी सी चीज दिखाता हूँ कि आप एक ही शीट पे काफी सारी पाइवट लगा भी सकते हैं, एक साथ ही मल्टीपल पाइवट लगा सकते हैं। अब सपोज मैं क्या कर देता हूँ, सिटी वाली सिटी यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये मेरी एक तो एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट हुई। दूसरी जगह मैं चाहता हूँ कि ऐसा पाइवट आए जिसमें सिटी वाइज आ जाए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा पूरे पाइवट को, जहां ले गया कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये जो फील्ड वाला हिसाब किताब है और ये जो सेटिंग का है, ये दोनों पाइवट के लिए डिफरेंट होता है। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिटी को कर देता हूँ, ठीक है जी। और ऊपर वाले में क्या चल रहा है, नेम चल रहा है, तो नेम वाइज सिटी वाइज एक ही पेज पे अवेलेबल है, ठीक है जी। नेम वाइज सिटी वाइज मेरी रिपोर्ट बन गई। मान लीजिए इसी तरह की, मैं अभी तो बहुत कम डेटा यूज कर रहा हूँ, पर प्राइवेट जब बनती है तो ज्यादा डेटा से बनती है, तो इसी तरह से मैंने रिपोर्ट एक ही पेज पे बना बना के रख ली। अब मान लीजिए कुछ चेंज होता है उसमें, ऐसी रिपोर्ट आपने बना बना के रख ली, तो डेटा में मान लीजिए कहीं कुछ चेंज होता है, जैसे नया डेटा ऐड हुआ, यहाँ पे कोई डेट हुई, अब इसमें मैंने नया नाम ऐड किया कोई अभिषेक गोवा और कुछ डेटा ऐड किया, ठीक है। तो जब मैं इस पे जाऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, ऑप्शन में जाके रिफ्रेश करूंगा, तो देखूंगा कि ये नया डाटा इधर ऐड हो चुका है और यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। ये रिपोर्ट अपने आप अपडेट होती रहती है, ठीक है जी। एक रिफ्रेश में मान लीजिए 50 रिपोर्ट मैंने एक बना दी, अब नॉर्मल में तो क्या होगा कि मुझे बार बार रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ना, बट इसमें मेरे पास बनी बनाई पहले से रहती है, रिफ्रेश करते ही रिपोर्ट अपडेट हो जाती, ठीक है सर। देन क्या है कि इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, जो ये सम कर रहा है सम की जगह आप लोग वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहां पे जब क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक ही करेंगे, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग का एक ऑप्शन होता है। तो कई बार क्या आता है कि काउंट आ जाता है आपके सामने, तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो दुनिया भर की चीजें और भी हैं, काउंट भी करा सकते हैं कितने रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। आप काउंटिंग का पूछ रहे थे ना कि कौन कितनी बार आया, तो वो ये रहा, काउंट करा सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ये सही है, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हर एक, वो निकाल सकते हैं। तो मतलब इसमें हर तरह की जो एनालिसिस है वो हो जाती है सम कर, ठीक है जी। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए ये मेरा क्या है कि मुझे चाहिए डॉलर में दिखाना चाहिए, तो मेरे पास ये नंबर फॉर्मेट का भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, जिससे मैं करेंसी वगैरह भी सेट कर सकता हूँ कि दो डेसिमल पोजीशन में और डॉलर का साइन आ जाए, ठीक है जी, डॉलर में आ गया। बाकी इसमें क्या होता है, डिफरेंस फ्रॉम शो वैल्यू एज का एक हमारे पास इसमें होता है,
तो इसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस और हो जाता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना डिफरेंस है बाकी सबका हरीश के मुकाबले, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस फ्रॉम नेम में से चूज कर लूंगा हरीश को। तो इसने कहा कि 429 कम रह गई संदीप की सेल, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा हरीश, ये 651 कम रह गई, ये 574 कम रह गई, ये 201 कम रह गई, और ये 6869 कम रह गई। तो इतना डिफरेंस है, ठीक है जी। हरीश का नंबर रेफरेंस की तरह क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो 00 पे हो जाता है, ठीक है, उससे बाकी का डाटा इतना डिफरेंस, ये डिफरेंस रिपोर्ट है। और डिफरेंस परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ हरीश का कितना परसेंट है, तो ये देखिए हरीश अपने आप में 100% है, बाकी 93, 90, 91 इस तरह से, इसी तरह से और भी हैं इसमें। परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम हरीश के मुकाबले कितना परसेंट का डिफरेंस है, डिफरेंस की परसेंटेज कितनी, वो आ गए। रनिंग टोटल इन, रनिंग टोटल में क्या है कि ऊपर से टोटल होता हुआ आएगा यहां से, फिर हरीश और संदीप का इकट्ठे, ये ऐसे, फिर ऐसे लास्ट तक जाके टोटल, रनिंग टोटल होता हुआ है। तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ रो, परसेंटेज ऑफ कॉलम। अब रो कॉलम कहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे सिटी भी साथ में हो, सिटी रो कॉलम हमने कर दिया, तो एक ही डेटा है, एक ही सेल्स है, जो कि हर एक से जिसका रो में भी आ रहा है कॉलम में भी आ रहा है डेटा। तो यहाँ पे शो वैल्यू है परसेंटेज ऑफ रो, तो 100% रो कौन सी हो रही है, जैसे संदीप का डाटा 100% है, तो हर एक सिटी में कितना कितना परसेंटेज हुआ, ठीक है जी, ये हुआ परसेंटेज ऑफ रो। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ कॉलम है, ठीक है जी। तो पलवल में जो सेल्स हुई है हर एक एम्प्लॉय की कितनी कितनी परसेंट है, इस तरह से देख सकते हैं। देन है आपका परसेंटेज ऑफ टोटल, तो टोटल जो ग्रैंड टोटल आ रहा है वो 100% है, तो हर एक कितनी परसेंट रखता है, हर एक सिटी का कितना परसेंटेज है, हर एक एम्प्लॉय का कितना कितना परसेंटेज है, हर एम्प्लॉय का उसकी सेल में कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं। और इसमें और चीज है, जैसे हमें बाहर से डेटा लेना हो पाइवट टेबल में, अभी तक मेरे ख्याल से बहुत हो गया इसमें पाइवट टेबल में। एक और चीज, बाहर से पाइवट टेबल कैसे बनानी, जब शीट हमारे पास यहाँ अवेलेबल ना हो तो क्या करना है, जैसे मैंने एक पाइवट की, मान लीजिए यही फाइल है, ये मेरे पास अलग फाइल है, इसको मैं सेव कर देता हूँ कि ये डाटा मेरा पड़ा रहेगा डेस्कटॉप पे पाइवट डेटा के, ठीक है जी, इसको क्लोज कर दिया मैंने। पाइवट डेटा यहाँ पे शीट 4 पे मैं उससे लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे डेटा के अंदर मेरे पास मैं कहाँ कहाँ से डेटा ले सकता हूँ, एक्सेस से ले सकता हूँ, वेबसाइट से ले सकता हूँ, टेक्स्ट की किसी फाइल से ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं डेटा ले सकता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, अपनी फाइल से लेना, तो फ्रॉम अदर सोर्स में जाके, या मैं ऐसा करूंगा कनेक्शंस में जाके ऐड कर दूंगा नया कनेक्शन, ब्राउज करूंगा तो डेस्कटॉप पे जाऊंगा,
फाइवर डेटा के नाम से फाइल है उसको सिलेक्ट किया मैंने, और उसमें कौन सी शीट में है डेटा मैंने वो सिलेक्ट किया। फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर, ओके, ठीक है जी। क्लोज करूंगा तो मेरे पास कनेक्शन में वो चीज आ गई मेरे। एग्जिस्टिंग कनेक्शन में मेरी चीज आ गई पाइवट डेटा, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास बाकी सारे ऑप्शन आते हैं। टेबल में क्या है कि एज ए टेबल मुझे वो डेटा दे देगा, पाइवट टेबल रिपोर्ट जब मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो वही फील्ड्स मेरे सामने आ गए और ये पाइवट टेबल बन के आ गए, तो मुझे वो फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, मैं वही सारे काम कर सकता हूँ। ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, कई बार हमारे पास जो डाटा फाइल होती है बहुत बड़ी होती है तो उसको खोलते हैं बार बार काम करते हैं तो उस पर बहुत टाइम लगाता है, तो जब इस तरह का कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे को हमारी फाइलें हैंग नहीं करती। ठीक है जी, कितनी बड़ी फाइल हो इस तरह से पाइवट लगा लीजिए। ठीक है सर, ये कनेक्शन किधर था, डाटा में था। हाँ जी, पहले आपको क्या करना होता है ना, कनेक्शन बनाना होता है, तो कनेक्शन में जाके यहाँ से ऐड करके यहाँ से आपको ब्राउज फॉर मोर करके ओके वो करना पड़ता है। ठीक है जी, और फिर आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन में चले जाइए, यहाँ पे आपका ऐड हुआ आ जाता है, नहीं तो यहीं से ही डायरेक्ट ब्राउज फॉर मोर करके कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग कनेक्शन से भी कर सकते हैं, उसमें नया डालना हो तो ब्राउज फॉर मोर। इसमें एक चीज दिखाता हूँ, जैसे आपको स्टॉक्स वगैरह करेंसी रेट वगैरह चेक करने होते हैं तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में कुछ आपके सर्विसेज दी होती हैं पहले से, मनी सेंट्रल इन्वेस्टर करेंसी रेट, इसको ओपन करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ये क्या करता है करेंसी के रेट आपको लाइव ला के दे देगा। अरे अरे जबरदस्त, ऑटोमेटिक आता है। अब जैसे मुझे करेंसी कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहा हूँ जिसको मुझे यूएस डॉलर में बेचना है और डेली की अपडेट चाहिए मुझे, तो मैं इसको लिंक कर सकता हूँ उससे कि यहाँ करेंसी का रेट फॉर्मूला में यहाँ से उठाए और जबकि फाइल खुलेगी हर बार अपडेट होगा। ठीक है जी, ऑटोमेटिक डॉलर में ही रेट दिखाया जाता है। ठीक है सर, तो ये एक अच्छा मैनेजिंग पॉइंट होता है। एक बार फिर से बोलो ना, ये वाला फिर से बोलो ना एक बार, क्या चीज वो डॉलर कैसा इंसर्ट करता, फिर से एक बार बोलो। जैसे ये डॉलर है, हाँ, अब मान लीजिए मेरी कोई चीज है बट हाँ इस शीट में ना करें क्योंकि इस शीट में, अब जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, 100 डॉलर का है या रुपए, मुझे इंडियन में उसका जानना है कि कितना है, तो मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाइड बाय करूंगा, यहां से रेफरेंस ले लूंगा ये रहा। ठीक है जी, 100 डॉलर का कितने रुपए का बना, तो जब भी मैं ये शीट खोलूंगा हर बार वो अपडेट होगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा ना, ये जैसे ही रिफ्रेश होगी तो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी और यहाँ मुझे नया रेट मिल जाया करेगा। ओके, ठीक है, इसको सेम शीट में अगर आप करके रिफ्रेश करेंगे तो नहीं चलेगा, यह अलग शीट में ही करना होता है। तो मैंने एक बार ट्राई किया था, क्या होता है कि ये एक मैक्रो है जो आसपास का डेटा डिलीट कर देता है, तो इस कारण उस पर फर्क नहीं दिखा रहा, तो अलग शीट पे कराएंगे तो चलेगा। ठीक है सर, तो ये पाइवट टेबल आपकी कंप्लीट है। ठीक है जी, और कुछ आपको लगता है पाइवट में होना चाहिए,
पाइवट के लिए मैं आपको दो चार एक्सरसाइज भी दे दूंगा। पाइवट चार्ट क्या है, सेम है क्या? यही है पाइवट चार्ट सर, बहुत आसान है, एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा आपको कि जो भी आप पाइवट टेबल की रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, अब उस पर बस क्या है कि पाइवट चार्ट कर दीजिए, यहाँ से पाइवट चार्ट का ऑप्शन है, जो भी आपने पाइवट डेटा बनाया है उसको चार्ट के फॉर्म में दिखा दीजिए, ओके कर दीजिए, बस सेम डेटा वैसे आ जाएगा। ओके, हालांकि ये दोनों साथ में कम यूज होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर इसमें डेटा चेंज करूंगा तो ये पाइवट भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं एक बार करिए ना, सेल्स हटाता जा रहा हूँ तो ये भी हटता चला जाएगा। जैसा जैसा पाइवट में चेंज करूंगा मेरा चार्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं मान लीजिए मैं नेम भी ले आया साथ में, तो ये नेम भी नीचे आ गया, इस तरह से कर दिया, तो डबल एक्सिस का काम हो गया इसमें। ये प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। हाँ, डबल एक्सिस का काम हो गया, तो जैसी रिपोर्ट होगी वैसा आपका ये भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे रिपोर्ट और डेटा एक साथ लगाना हो ना तो उसमें पाइवट चार्ट और ये सब अच्छा है, मतलब डैशबोर्ड टाइप का आपका बन जाता है ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका डेटा चेंज हुआ, यहाँ से चार्ट चेंज हो गया, ठीक है जी। तो पाइवट टेबल में कोई खास नहीं है, कोई अलग से सेटिंग नहीं है, सब कुछ यही है, ठीक है सर। और बताइए नेक्स्ट क्या कहाँ क्या कराया जाए। आपके आपके क्या बोलते कोर्स वर्क में और क्या क्या बच गया है आपके कोर्स वर्क में? मेरे पे तो सर बहुत सारे आइटम बचे हैं, बहुत हैं। पेस्ट स्पेशल है, एडवांस पेस्ट स्पेशल है, और उसके बाद ये सेटिंग्स हैं, एक्सेल ऑप्शंस, ये सारी नंबर फॉर्मेटिंग पूरी बची हुई है, और कस्टम फॉर्मेटिंग, और हमारा जो है फॉर्मूला के बाकी सारे फॉर्मूले हैं, लुकअप रेफरेंस छोड़ के और लॉजिकल छोड़ के, टेक्स्ट के हैं, डेट टाइम के हैं, फाइनेंशियल है, इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, एरे फॉर्मूले हैं, और चार्ट्स हैं, डायनेमिक चार्ट्स हैं, यूजर फॉर्म हैं, ठीक है जी, ये कंट्रोल्स हैं, फॉर्म कंट्रोल्स हैं, प्रोटेक्शन है, ठीक है जी, व्हाट इफ एनालिसिस अगर कहें वो भी है, हालांकि व्हाट इफ एनालिसिस इतना जरूरी नहीं होता है, ठीक ठाक ही है, ऐसे ही इतना यूज नहीं है। डेटा वैलिडेशन है कंप्लीट, अभी तो काफी चीजें बची हैं। बात तेरे को कौन सा होना है नेक्स्ट? प्रयास तेरे को मैक्रो चालू कर लेता क्या आज के लिए? नहीं नहीं आज के लिए तो कितना 2 घंटे हो गए ना। हाँ, मैक्रोस नहीं, नया शुरू कर तू रे, कुछ 20 मिनट में खत्म होने वाला कुछ है क्या? 20 मिनट में प्रोटेक्शन करवा देता हूँ। नहीं प्रोटेक्शन रखो, वही है सब। वो ऑप्शंस को कितना टाइम लगेगा? किसको? स्टार्ट के बटन में ऑप्शंस को, इसको ऑप्शंस को, एक्सेल ऑप्शंस को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक घंटा से ज्यादा भी खींच जाता है कई बार। शॉर्टकट्स वगैरह आपको पता है? चलो शॉर्टकट्स कर सकते हैं। हाँ शॉर्टकट्स, यस हाँ, 20 मिनट्स का करेंगे संदीप, ठीक है सर। तो देखिए शॉर्टकट्स एक्सेल में किस तरह के होते हैं हमारे पास, पहली चीज हमें शॉर्टकट कैसे पता लगते हैं, एक तो आप माउस लेके जाते हैं तो ये टूल टिप जो आती है सर इसमें आपको शॉर्टकट पता लग जाता है, ठीक है जी, पर ये हर किसी में नहीं आता। जैसे यहाँ बॉर्डर दिखा रहा है यहाँ पे, अब इनके लिए क्या करेंगे कि कुछ शॉर्टकट्स हमारे पास पहले से होते हैं, जैसे कीबोर्ड में ऑल्ट की है, तो ऑल्ट की जब आप प्रेस करते हैं तो कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मुझे बॉर्डर डालना है,
तो मैं सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने ऑल्ट की एक बार प्रेस की तो होम में जाने की जरूरत है मुझे, तो एच दबाया। एच दबाते ही मेरे पास और भी ऑप्शंस बने हुए आ गए, लिखे हुए आ गए। यहाँ बॉर्डर के लिए क्या आया, बी, मैंने बी दबाया। ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या आ रहा है, ए, तो मैंने ए दबाया। तो क्या शॉर्टकट बना मेरा बॉर्डर्स के लिए, ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी ए, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑल्ट की आपको एक बार खाली दबा के छोड़ देनी है, दबा के रखना नहीं है इसको। फिर इंडिविजुअली आपको जैसे मर्ज एंड सेंटर करना है इसमें, तो ऑल्ट दबाया मैंने, एच अपीयर हुआ, एच दबाया, एच दबाते ही बाकी सारे फंक्शन अपीयर हुए। एम दबाया, एम में मर्ज एंड सेंटर के लिए सी आ रहा है, तो मैं सी दबाऊंगा, मर्ज एंड सेंटर हो गया। इसी तरह अनमर्ज करने के लिए ऑल्ट एच एम यू है, ठीक है। एच बी में बॉर्डर क्या, हाँ जी, ऑल्ट क्या था अनमर्ज करने के लिए, एच एम यू सर। आप जैसे ही एच ऑल्ट दबा के कोई भी कीवर्ड दबाते हैं तो बाकी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो अच्छा, करना सब कुछ वही है जैसे आप माउस से करते हैं, बट इसको कीबोर्ड से करने के लिए आपने अल्ट की दबानी है। जैसे अब मैं चाहता हूं, जैसे मुझे यहां पे मान लीजिए, जैसे मैंने अनमर्ज कर दिया, यहां से मर्ज कर दिया था, अनमर्ज करना है तो कैसे, मुझे शॉर्टकट कैसे पता लगेगा, अल्ट की दबाई। यहाँ पे हर एक टैब के लिए एक्टिवेशन की आती है, यहाँ जैसे होम के लिए एच आ रहा है तो मैं एच दबाऊंगा, एच को जैसे ही दबाऊंगा बाकी के लिखे हुए आ जाए। तो अनमर्ज के लिए मुझे मर्ज सेंटर के इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो एम दबाया मैंने, एम लिखा हुआ आ रहा है उसके नीचे। देन यहाँ पे अनमर्ज सेल है, यू, यू दबाया मैंने, तो ऑल्ट एच एम यू मेरा शॉर्टकट हो गया। तो अगर ये सब चारों एक ही बार दबाना है या जस्ट ऑल्ट दबा के एच एम दबाना है? ऑल्ट दबा के आपको छोड़ देना है, तब आपको एच एक बार दबाना है, कोई भी की दबा के नहीं रखनी है, एक बार दबा के रिलीज कर देनी है। ओके ओके, ठीक है जी। ऑल्ट एच एम सी मर्ज एंड सेंटर के लिए, एच एम यू अनमर्ज के लिए। इसी तरह अपना जो प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है तो ऑल्ट ऑफिस बटन पे एफ आ रहा है, एफ, और प्रिंट प्रीव्यू के नीचे दिखा, प्रिंट के आगे दिखा रहा डब्ल्यू डब्ल्यू वी, तो ऑल्ट एफ डब्ल्यू वी जो होता है वो प्रिंट प्रीव्यू के लिए चला जाता है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि डायलॉग बॉक्स, तीन तरह के शॉर्टकट होते हैं, एक तो हमारे ये कंट्रोल की वाले हो गए, दूसरा मैंने आपको ऑल्ट की वाले बताए, तीसरा डायलॉग कंट्रोल की के वाले कौन से रहे, कंट्रोल की वाले जो कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वगैरह करके कंट्रोल आए, कंट्रोल बी है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे टूलटिप पे दिख रहे हैं, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है जी। बाकी ऑल्ट की वाले मैंने बताया कि हर एक ऑप्शन को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे। मान लीजिए आपको डेटा में जाके फिल्टर ही लगाना है, ठीक है जी, फिल्टर लगाना है मान लीजिए, तो फिल्टर के लिए कैसे ऑल्ट की का शॉर्टकट बनेगा, ऑल्ट डेटा के लिए क्या दिखा रहा है, ए, ठीक है जी, और फिर फिल्टर के नीचे क्या दिखा रहा है, टी, तो ऑल्ट ए टी, ठीक है जी। ओके ओके, अब जैसे फिल्टर एंड सॉर्ट में कस्टम सॉर्ट लाना है, ठीक है जी, तो इसको कैसे करेंगे, ऑल्ट एच फिल्टर सॉर्ट के लिए क्या दिखा रहा है, एस, कस्टम सॉर्ट के लिए यू, ठीक है, तो ऑल्ट एच एस यू, ऑल्ट किसे हो गया, ओके, ठीक है जी। अब देखिए डायलॉग बॉक्स जो खुलते हैं, जैसे फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसको कैसे, इनको कैसे चलाना, इनका अलग सिस्टम होता है। ये जो टैब है, इन टैब में आप स्विच कर सकते हैं, कंट्रोल का बटन यहाँ पे आपको अब दबा के रखना पड़ेगा, कंट्रोल का बटन दबा के रखा आपने, फिर टैब बारी बारी प्रेस किए जाते हैं,
कंट्रोल टैब, हाँ कंट्रोल दबा के रखते हुए फिर टैब दबाए जा रहे हैं, तो क्या है ये फॉरवर्ड में मूव हो रहा है चार्ज से, पर कंट्रोल आप प्रिंटर्स में आना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा लीजिए और फिर से टैब, तो रिवर्स में चलेगा। ये विंडो कैसा ओपन करें? विंडो के लिए शॉर्टकट है सर कंट्रोल वन, और अदरवाइज राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है मेरा। हाँ वो तो है। दूसरा यहाँ पे जो एरो आ रहा है ऑल्ट एच की, ऑल्ट के बाद एच दबाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है एफएम, ठीक है ऑल्ट एच, बहुत सारी चीजें हैं, एक ही चीज को करने के कई सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो कंट्रोल टैब के जरिए मैंने दिखाया कि आपको फॉरवर्ड में मूव होता है टैब में, कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएंगे तो रिवर्स में मूव होता है। मान लीजिए आप अलाइनमेंट पे आ गए, अब यहाँ पे क्या है कि अब हमें ये करना है रैप टेक्स्ट करना है या ओरिजेंटल वगैरह करना है, इनमें से हम कैसे कीबोर्ड से मूव करेंगे? तो देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि हर एक ऑप्शन के में जो है एक अंडरलाइन कैरेक्टर है, जैसे ये डब्ल्यू है और सिंटोफिक में के है, मर्ज सेल में एम है, तो जब इनको यूज करना है तो आप ऑल्ट दबा के रखेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑल्ट दबा के रखना है, जो हमने पहले किए थे उसमें ऑल्ट एक बार दबा के छोड़ना था, यहाँ दबा के रखना है और वो अंडरलाइन कैरेक्टर दबाना है जैसे W, ठीक है जी, श्रिंक टू फिट के लिए K, मर्ज सेल के लिए M, डिग्रीज के लिए D, ऑरिजेंटल में क्या आ रहा है H आ रहा है ऑल्ट दबा के रखते हुए H। ये जो इस तरह की लिस्ट खुलती है, लिस्ट में या तो एरो की से मूवमेंट कीजिए या इनका पहला जो भी ऑप्शन है उसका पहला कैरेक्टर दबा दीजिए, जैसे सेंटर के लिए मान लीजिए आप दबाएंगे सी तो इसके बीच में, लेफ्ट के लिए एल, ठीक है जी। अब आपको कोई भी सिलेक्ट करना है इनमें से तो एंटर दबाइए, ये आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया आ रहा है आपका, ये बटन है इसके आगे ग्रीन ग्रीन है, इसका मतलब है कि ये जो है एंटर की पे एक्टिवेटेड है, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो ये बटन दबेगा, ठीक है जी, तो एंटर दबाएंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अगर अप्लाई नहीं करना तो कैंसिल के लिए एस्केप की होती है हमारी ऊपर कीबोर्ड में, एस्केप की होती है ESC, उसको दबाएंगे तो अप्लाई नहीं होगा तो वो चला जाएगा, एंटर दबाएंगे अप्लाई होके हट जाएगा, एस्केप दबाएंगे अप्लाई नहीं होगा वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही डायलॉग बॉक्स कहाँ यूज करते हैं, जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे गए तो यहाँ पे अपने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खोला, अब इसमें यहाँ से लैंडस्केप कर दिया, फिर 2:1 कर दिया, पूरी सेटिंग कर दी, ओके इस तरह से पूरी सेटिंग हो गई, एस्केप से बाहर आ गए, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए करना क्या है कि आप माउस को छोड़ के थोड़ी देर कीबोर्ड से करने की कोशिश कीजिए। अब इतना सब मैंने बताया आपको, आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी, ठीक है जी, कि सारे शॉर्टकट आपको पता लग जाए, तो F1 प्रेस कीजिए, एक्सेल हेल्प खुल जाएगी, कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है एक्सेल के फंक्शंस की, कंट्रोल की वाले किससे क्या होता है सब कुछ है, F1 से क्या होता है, F1 वाले फंक्शन की वाले एरो की से सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं शॉर्टकट, हर की एक एक लिस्ट है, ठीक है जी। अब जैसे हमने एक्सेल के शॉर्टकट देखे, इसी तरह से क्या होता है कि विंडो के भी शॉर्टकट होते हैं। अब काफी टाइम से क्या होगा कि जैसे विंडो डी दबाते हैं हम शो डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप देखनी है तो विंडो डी दबाते हैं, ठीक है जी। अब ये हो गया पुराना,
अब विंडो की के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन और भी आए हैं, तो सबसे पहले ये बढ़िया चीज है कि हमें अगर स्पीड बिल्डअप करनी है तो हमारी विंडो के ऊपर भी शॉर्टकट अच्छे होने चाहिए। तो शॉर्टकट इसमें भी सर्च कर सकते हैं हम, कीबोर्ड शॉर्टकट आ गए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे विंडो लोगो की वाले हैं, विंडो लोगो की के ये वाले, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे शॉर्टकट्स नए आए हैं। जैसे कि अब मुझे यहाँ से खोलनी है एक्सेल की शीट खोलनी है, मैं कैसे खोलूंगा, क्या करूंगा, विंडो दबा के फाइव, ठीक है जी। आउटलुक खोलना है, कैसे खोलूंगा, विंडो दबा के वन, ठीक है जी। क्रोम खोलना है ये वाला, विंडो दबा के टू। ये क्या होता है ना, इनकी इंडेक्स पोजीशन होती है, जैसे यहां से एक दो तीन चार पांच, तो विंडो दबा के जो भी आप बटन दबाएंगे इंडेक्स पोजीशन वो खुल जाएगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी, ठीक है जी। डायलॉग बॉक्सेस के जो शॉर्टकट्स थे वो मैंने बताया, कंट्रोल टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब, टैब शिफ्ट टैब, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपको काफी सारे शॉर्टकट हेल्प मिल जाएगी, ठीक है सर। तो शॉर्टकट्स का ओवर है, ठीक है जी। तो बाकी आज के लिए बस करना चाहेंगे? हाँ आज के लिए बस करेंगे। अच्छा, आपका आपका नेक्स्ट अवेलेबल टाइम कब है? नेक्स्ट कल का है, कल से फिर इसी, कल फिर इसी समय, इसी समय। हाँ। आपके आपके टाइम आज रात में कुछ है क्या चांसेस? आज रात में? हाँ वो अच्छा होगा। आज सर करवा चौथ, आपका खराब मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है।